तबाही। जी हाँ, आपको बता दूं, दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार बनाने का दावा कर लिया है रूस ने। जंग के इस दौरान जिस हथियार को वह दसियों साल से बनाने की कोशिश कर रहा था, वो हथियार बना लिया है। व्लादिमीर पुतिन ने खुद अपनी जुबान से कहा है कि दुनिया में ऐसा हथियार अब किसी के पास नहीं है। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ऐसी मिसाइल जिसकी रेंज 18,000 किलोमीटर है। आपको बता दूं कि परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है, और इतनी खतरनाक मिसाइल है कि कहा यह जा रहा है कि एक मिसाइल ही पूरे अमेरिका को तबाह करने के लिए काफी है। उसका सफलतापूर्वक टेस्ट आपको अच्छे से दिखाया जाएगा, देखिए। दोस्तों आपको बता दूं, 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मारने वाली दागने वाली मिसाइल है, जिसको S-400 के साथ दागा जा सकता है। बाकी जमीन का सीना चीर के ये दंदनाता हुआ ये रॉकेट निकलता है। इसके अंदर 4 से 5 वॉरहेड होते हैं, जिसके अंदर कई सारे परमाणु बम रखे जा सकते हैं। ऑफिशियल नाम की बात करें तो इसका नाम है RS-21 सैमरेज सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जी हाँ, ये सुपर हैवी है क्योंकि बताया जा रहा है इसमें कई सारे वॉरहेड हैं। 2009 से ये अंडर ट्रायल था ये रॉकेट। सोचिए, 2009 से, अब ये 2022 में ही शामिल हो चुका है। रूस की सेना ने इसको अपने प्लान में, अपनी सेना में शामिल भी कर लिया है। आपको बता दूं इसकी रफ्तार क्या है, 25,560 किलोमीटर प्रति घंटा। 25,000 किलोमीटर एक घंटे में ये रूस की मिसाइल दंदनाती हुई आपकी आंखों के सामने पलक झपकने से पहले निकलती है। दोस्तों आपको बता दूं, इस लॉन्च के बाद, सफल परीक्षण के बाद, रूस के व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब दुश्मन हमें धमकी देने से पहले 2 बार सोचेगा, क्योंकि अब हमारे पास दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार है, इसके टक्कर का कोई नहीं। व्लादिमीर पुतिन ने खुद ये बात कैमरे के आगे आगे कही है। аналогов ему в мире нет и ещё долго не будет. Это действительно уникальное оружие. Будет укреплять боевой потенциал наших вооруженных сил, надежно обеспечит безопасность России от внешних угроз и заставит задуматься тех, кто в пылу оголтелой агрессивной риторики пытается угрожать нашей стране. आपको बता दूं कि इस टेस्ट की जानकारी अमेरिका को रूस ने दे दी थी। इसकी पुष्टि खुद अमेरिका के पेंटागन ने करी है। पेंटागन ने कहा है कि ये रूस ने जो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और सबसे ताकतवर हथियार बनाया है, इसकी जानकारी इसके टेस्ट से पहले ही पुतिन के द्वारा हमको दे दी गई थी। दोस्तों दूसरी तरफ यूक्रेन पर कहर बरसा रहा है रूस। रूस ने जब कीव पर हमले अपने बढ़ाए तो पूरे कीव में एक साथ सायरन बज रहा था। G20 की मीटिंग में रूस भी शामिल होने वाला है, ये कंफर्म होते ही बताया गया कि यूके, यूएस, कनाडा ने G20 की मीटिंग में शामिल होने से मना कर दिया है। जी हाँ, पुतिन इस G20 की मीटिंग में नहीं जाने वाले थे। पुतिन की तरफ से कोई और एम्बेसडर उनका पहुंचने वाला था, लेकिन रूस से इतना चिड़े हुए हैं यूके, यूएस और कनाडा कि उन्होंने इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया है और अब वो इस G20 की मीटिंग में नहीं जाएंगे। दोस्तों रूस के खिलाफ तुर्की ने बयान दिया। तुर्की की तरफ से कहा गया कि अब वेस्ट की कंट्रीज को रूस के ऊपर भरोसा करने में काफ़ी वक्त लगेगा। वैसे मैं ये कहूँगा कि तुर्की पर भरोसा करने के लिए अब दुनिया भर के मुसलमानों को शायद
काफ़ी वक्त लग जाए, क्योंकि आज इसराइल ने फिलिस्तीनियों पर बमबारी करी, गाज़ा पर बमबारी करी। और इसी बीच में कुछ वक्त पहले आपने वो तस्वीर देखी कि रजब तैयब अर्दोगान ने राष्ट्रपति, इसराइल के राष्ट्रपति को सीने से लगाया और उनका स्वागत किया था तुर्की में। और कुछ दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति पहुंचने वाले हैं इसराइल, और दोनों देश काफ़ी करीब आ गए हैं। तो हकीकत यह है कि जो तुर्की ने रूस के लिए कहा है, तुर्की को ज़रा अपने बारे में भी सोचना चाहिए। दूसरी तरफ तुर्की के विदेश मंत्री ने ये बात साफ साफ कही कि नाटो की कंट्रीज चाहती हैं कि रूस जंग में उलझा रहे और उलझ कर कमज़ोर होता रहे, और इस जंग का फ़ायदा नाटो के देश उठाते रहें। दोस्तों, आप जानते हैं कि यूक्रेन को कोई फाइटर जेट नहीं दे रहा है। इसी बीच में बड़ी खबर आई है कि यूक्रेन को फाइटर जेट दे दिए गए। इस चीज़ की जब खबर रूस को पहुंची, इससे पहले रूस तगड़े हमले करता, अमेरिका ने सफाई दी कि फाइटर जेट, होल फाइटर जेट नहीं पहुंचे हैं, फाइटर जेट के कुछ पार्ट्स पहुंचे हैं जिसको अब जोड़ा जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद फाइटर जेट वहीं यूक्रेन में तैयार होगा। रूस का गुस्सा इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रूस ने देर रात को KH-35 मिसाइल यूक्रेन की तरफ दाग डाली है। दोस्तों, आपको बता दूं, मारियोपोल में एक मस्जिद भी है जो तुर्क द्वारा बनवाई गई है, तुर्क की तरफ से बनवाई गई है, काफ़ी सालों पुरानी है और तुर्की से इस मस्जिद का पुराना नाता है। मस्जिद के आसपास मारियोपोल के इलाके में ज़बरदस्त बमबारी के बाद मस्जिद को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ एक बड़ी खबर और आ रही है। एक खबर ये आई है सबसे बड़ी, जो रूस को चिढ़ा सकती है, वो ये कि तुर्की की कंपनी ने जेलेंस्की की आर्मी के लिए, यूक्रेन की आर्मी के लिए हेलमेट और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाकर पहुंचा दिए हैं। दूसरी तरफ हंगरी ने मना कर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से हंगरी ने मना कर दिया कि हम रूस पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि EU के प्रेसिडेंट कीव पहुंच गए हैं। जी हाँ, खुद प्रेसिडेंट कीव पहुंच गए और जेलेंस्की के प्रोपेगेंडे को अब काफी ज्यादा ताकत मिल जाएगी। देखिए तस्वीरें। हेलो, आप जानते हैं कि जेड का साइन जो है रूस का है। कई सारे देशों ने जेड के सिग्नेचर को, साइन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। आपकी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं, जेड और वी के लॉलीपॉप बनाकर रूस उसको प्रमोट कर रहा है और अब देश में फ्री में बांट रहा है। आपके स्क्रीन पर ये आधुनिक हथियार, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जी हाँ, ज़मीन से हवाई हमलों को तबाह करने वाला फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मार गिराने वाला हथियार अब नॉर्वे यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ज़मीनी जंग भी यूक्रेन के सैनिकों के सामने जारी है। यूक्रेन के सैनिक रूस के ऊपर लगातार गोलीबारी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, टिकटॉक पे वीडियोस भी खुद यूक्रेन के सैनिक बना रहे हैं। यानी दो सैनिक अगर फायरिंग कर रहे हैं तो तीसरा सैनिक बंदूक किनारे रख के वीडियो बनाने में बिजी है। ऐसे ही एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि यूक्रेन के सैनिक फायरिंग भी कर रहे हैं और उनका मित्र उनकी वीडियो भी बना रहा है। उनका जो मित्र है वो कैमरे के सामने नहीं है, वो वीडियो बना रहा है। क्या होता है ऐसे में, आप देखिए। Thank you.
माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जंग के दौरान जो है ये मोबाइल वोबाइल किनारे रखना चाहिए। इसी के साथ मैदान जंग में रूस ने SU-34 को भी एक साथ दो दो को उतार दिया है, जो कि खतरनाक तरीके से यूक्रेन के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। यूक्रेन के खैरसन के स्कूल पर रूस ने कब्जा कर लिया। अब आपको बताएंगे कि इससे यूक्रेन का एक और फर्जीवाड़ा सामने आएगा। यूक्रेन के सैनिक क्या कर रहे हैं, यूक्रेन के सैनिक स्कूलों के अंदर अपने सैन्य अड्डे बना रहे हैं, और जब उस पर रूस रॉकेट दागता है तो तस्वीर ये दिखती है कि रूस ने स्कूल पर हमला किया है। अब आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए, स्कूल है जो कि पूरी तरह से हथियारों से लैस था, रूस के सैनिकों ने इस पर कब्जा कर लिया है और सारे हथियार स्कूल के अंदर से यूक्रेन के बरामद कर लिए हैं। दोस्तों, अजोवस्ताल और मारियोपोल दोनों इस वक्त पूरी तरह से धुआं हो गए हैं रूस के हमले के बाद। ड्रोन की कुछ खौफनाक तस्वीर देखिए दोस्तों, ये हाल हो गया है मारियोपोल और अलग अलग उसके आसपास के शहरों और गाँवों का। रूस ने अपने हमलों की शिद्दत अपनी ताकत बढ़ा दी है। दोस्तों, इसके अलावा खैरसन के इलाके में बड़ा ऑपरेशन करने के बाद आम घरों से, स्कूलों से, इसके अलावा जो वहां के लोकल लोग हैं उनके पास से हजारों लाखों की तादाद में हथियार बरामद किए हैं। देखिए स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन रूस का। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।